तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकर रूप है। मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है डायल 100। और ये मूवी हमको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा, क्राइम, सस्पेंस। और इस मूवी को गूगल यूजर ने 93% के स्कोर दिए। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है रणवीर डी सिल्वा ने। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल जाएंगे, जैसे मनोज वाजपेयी, साक्षी तलवार और नीना गुप्ता। और अगर आप मनोज वाजपेयी के भाई बहुत बड़े फैन है ना, तो ये मूवी भाई आपके लिए, इस मूवी को गलती से ही मिस मत करना। और अगर इस मूवी की स्टोरी पे आए तो भाई इस मूवी की स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी है, लेकिन जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया ना भाई, वो काबिले तारीफ है। और ये पूरी मूवी की जो स्टोरी है ना, सैटरडे नाइट पे शुरू होती है और सैटरडे नाइट पे ही खत्म हो जाती है। और इस मूवी में जो मनोज वाजपेयी का बेटा है ना, ध्रुवा का जो कैरेक्टर है, उसने एक साल पहले कुछ ऐसा काम कर दिया था जो उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और इसी काम की वजह से उसके घर वाले अभी तक उसे डांटते हैं, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि कहीं ये फिर से वही गलती ना दोहराने लगे, इसीलिए उसके घर वाले फिर से डरने लग जाते हैं। और अगर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाए ना, तो इस मूवी में मनोज वाजपेयी का जो कैरेक्टर है वो एक पुलिस के तौर पे है, जिसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की है और वो कंट्रोल रूम में काम करता है। और अगर साक्षी तनवाल के कैरेक्टर की बात करें ना, तो इस मूवी में उनका कैरेक्टर एक माँ का है जो अपने बेटे की बहुत केयर करती है, और उसके केयर करने की वजह उसका जो बेटा है ना, अपनी माँ को थोड़ा गलत समझ लेता है कि वो मुझे बिल्कुल छूट नहीं देती है। और इस मूवी में जो नीना गुप्ता का कैरेक्टर ना, वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती है, और उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ था उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी में जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर ना, वो अपने बेटे की हमेशा साइड लेता है, और उसने जितना भी गलत काम किया हो वो हमेशा उस पर पर्दा डालने पर तुला रहता है। मनोज वाजपेयी एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है या एक अच्छा पिता, और वो इन दोनों चीजों के बीच में फंस जाता है। इस मूवी की स्टोरी ट्रैक पे आने में कम से कम 20 से 25 मिनट ले लेती है। और अगर मनोज वाजपेयी की परफॉर्मेंस और एक्टिंग की बात की जाए ना, तो भाई उन्होंने भाई धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। अगर इस मूवी की स्टोरी पे आया ना, तो इस मूवी में जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर ना, वो कंट्रोल रूम में काम कर रहा होता है, और वहाँ पे एक औरत का फोन होता है कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर जब कनेक्ट होता है ना, तो वो बोलती कि मेरे पास गन है और मैं किसी को भी मार दूंगी। और वो औरत मनोज वाजपेयी के घर जाके उसकी बीवी को किडनैप कर लेती है, और उसके पास एक प्लान होता है उसके ध्रुवा बेटे से रिलेटेड एक पर्सन को मारने का। और वो प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर है ना, अपनी बीवी और अपने बच्चों को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और वो जो औरत है, उसके साथ ऐसी क्या दुर्घटना घट चुकी होती है जिसकी वजह से वो गन उठाने के लिए मजबूर हो जाती है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो भाई इस वीडियो में इतना है, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना इस मूवी के लिए स्पॉइलर हो जाएगा। और अगर आपने ये मूवी देखी है ना, तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये मूवी आपको Z5 की स्ट्रीमिंग सर्विस में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।